अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और दूसरी हम डिस्कस करेंगे बच्चों के मार्क्स जो वो इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन आज मैं आपको फुली डिटेल के साथ दिखाऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनके मार्क्स को इंक्रीज किया गया है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है तो तुलबा और वालदैन ने उनका घेराव कर लिया। उन्होंने वालदैन ने कहा था कि आप हमारी शिकायत का अजाला करें, हमें झूठी तसलियां दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने अपनी कोताहियों की वजह से मेडिकल के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो गलत अपलोड किया था, और वालदैन ने यह भी कहा है कि आप लोगों की कोताहियों की वजह से मेडिकल में हमारे बच्चों का जो एडमिशन है वो नहीं हो रहा। इसके अलावा वालदैन ने यह भी मौकफ दायर किया है कि हमारे बच्चों के गलत रिजल्ट के पीछे मेरिट का कत्ल किया गया है। हमारे बच्चों का जो मेरिट था वो अब पीछे आ चुका है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन नहीं हो रहा। दूसरी हम बात कर लेते हैं बच्चों के मार्क्स के हवाले से। तमाम पंजाब में 100+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है, और 21 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स में डिक्रीमेंट हुआ है। जबकि पीएमसी ने यह कहा था कि हमने जस्ट उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट को चेक किया है जिनके रिजल्ट के आगे एब्सेंट आ रहा था या किसी एक का डाटा दूसरे डाटे के साथ जाके मैच हो रहा था। हमने जस्ट उनके रिजल्ट को जस्टिफाई किया है, जबकि ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर 100+ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनमें बच्चों के मार्क्स जो वो इंक्रीज हुए हैं। आप लोगों के सामने ये जो डिटेल है आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर 100+ स्टूडेंट की मैंने बात की थी, कि जो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो आया, जो ओल्ड रिजल्ट था इसके अंदर 162 मार्क्स थे, जब पीएमसी ने रिजल्ट को अपडेट किया है तो इसके अंदर 169 मार्क्स बन गए। तो हाईएस्ट जो पंजाब के अंदर डिफरेंस अभी देखने को मिला है वो 7 मार्क्स का मिला है। 21 ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनके रिजल्ट में डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी जो रिजल्ट के हवाले से, जिनके रिजल्ट में इंक्रीमेंट हुआ है वो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।